ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा, हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है, यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, संक्षिप्त में बोले अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी,
शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है, कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वे इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please, please. कभी no. दिल्ली पहुंचे no. थे जिस रास्ते no. वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जय रमन सिंह जी 2 मिनट बोले, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी, विषय हो गया आपका। अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जल निगम जी हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय